जो भी आपकी अचीवमेंट्स है ये सुनकर मुझे और आपकी जितने भी सामान आपने बनाए हैं देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो आप खास ख्याल रख रहे हैं पर्यावरण का, आसपास की जितनी चीज़ें जो कचरे में तब्दील हो जाती थी आपने उसको सजा संवार कर एक ऐसा रूप दिया है कि पूरे लाहौल स्पीति घाटी को बहुत गर्व है आपके ऊपर। और इस तरह से मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ की और भी जितनी भी चाहे महिलाएँ हैं या यंग हमारी जितनी लड़कियां वो भी इसी तरह का कार्य करें और अपना नाम कमाएं। तो आपने पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया, आपका नेशनल जी टीवी में भी देखा हमने कार्यक्रम, तो बहुत अच्छा लगा। ये आगे करते रहे, आगे बढ़ते रहे और मिसेज इंडिया का खिताब आपको मिला है हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। और सबसे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति में जो हमारा रेशियो है महिलाओं और पुरुष का वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महिलाओं का है, 1077 1000 के निस्बत वहाँ पर जो रेट है। तो ऐसे महिलाएं आगे बढ़ती रहे, नाम बनाते रहे, तो इससे औरों की भी प्रेरणा मिलेगी। जो अभी छोटी उम्र की जितनी लड़कियां हैं वो आपको देखकर आपको एक गोल के तरह देखकर वो भी आगे बढ़ेगी। और लाहौल की वैसे भी जो औरतें हैं बहुत ही मेहनती हैं और मैं तो चाहूँगी कि जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं वो मिसेज इंडिया के लिए जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। आपने दौरा कर लिया अभी घाटी का? हाँ, कंप्लीट हो गया। स्पीति भी गए? स्पीति जाके आए हैं जी। अच्छा, तो अभी केलोंग अभी पहुँचे आप? केलोंग भी जाके आए हम लोग, मतलब 5-6 गाँव थे सबको कम्प्लीट किया हम लोगों ने। अच्छा, तो अभी दोबारा जाना है मेरे को, शायद 20th के बाद जाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आपका कोई भी कार्य हो हमारे लाइक आप जरूर बताइए। बताए होने के नाते जो भी आपके इस कार्य में कर सकूं तो आप मुझे जरूर बताइए। और आपकी टीम में आपके पति भी आपका पूरा साथ दे रहे हैं? जी हाँ जी, उनका पूरा सपोर्ट है मेरे को। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, नमस्कार।